सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और गाइस, मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल वॉल का, आर्क पायरिया का गाइस। और गाइस, आर्क पायरिया के पिछले एपिसोड में आपने जैसे कि देखा होगा कि ये दो दो खतरनाक नहीं बहुत ज्यादा टट्टी वाले जो ड्रैगोलिन है ना गाइस, अरे भाई भाई अच्छे थे यार तुम भाई, इनके लिए भाई जरा सी भी बुराई करो भाई नीचे गिर के भाई मर जाते। पिछली बार भी भाई इसको टेम करते वक्त मैंने बुराई करी थी, इसने मेरे को पूछ से भाई धक्का मार के डर के लिए नीचे फेंका था और मेरी पेटी बन गई थी, क्या बोलूं भाई। तो गाइस, पिछले एपिसोड में जो ना गाइस मैंने उन ड्रैगोलिन को टेम करने का काम करा था, और आज हम जाने वाले रेड वुड में। अभी आप बोलोगे रेड वुड में क्यों जा रहा है भाई, वहाँ पे क्या काम है? तो गाइस आपको मैं बता दूं कि रेड वुड में मैं क्या काम करने के लिए जाने वाला हूँ। उससे पहले गाइस, जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, फटाफट गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइस, हमारा जो गोल है जो कि है गाइस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने का गाइस, छोटू मोटू सा गोल है यार अपना जो कि है गाइस यहाँ पे 2 लाख सब्सक्राइबर का, फटाक से कंप्लीट कर देना गाइस। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी गेमिंग विद एनी के चैनल की, तो उनके चैनल को भी चेकआउट कर लेना। और गाइस, अगर अभी तक आपने हमारा व्लॉगिंग चैनल नहीं देखा है तो भाई साहब अपने फिर कुछ भी नहीं देखा यार, फटाक से देख लो यार जाके, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, अभी मेरे को क्या करना है बताया क्या? मेरे को ड्रैगन बिगन रेक्स नहीं, रहने दो भाई, छोड़ो, आ जाओ। मेरे को जो ना गाइस ये माना भी ना जो ना गाइस वो सारा का सारा निकालना था अपने ड्रैगन्स में से, ड्रैगन नहीं आर्चर्स में से भाई, ठीक है आर्चर्स भाई, ठीक है आर्चर्स कहाँ पर? डिवाइन डिवाइन आर्चर ही है ना भाई, डिवाइन रुक जाओ भाई, डिवाइन आर्चर्स डिवाइन, अरे कहाँ पे भाई, डिवाइन पैलेडिन विलेडिन है भाई, ठीक है रुक जाओ। मेरे को जो ना गाइस इनके अंदर से जो ना गाइस सारा का सारा माना जो है ना गाइस वो निकाल देना था, ताकि जो है ना गाइस तुम्हारे भाई के पास इनफ माना हो सके ब्लैक और वाइट वाला गाइस, ठीक है, जो कि हमको काफ़ी ज़्यादा कम पड़ रहा है फिलहाल के लिए, क्योंकि मैं जो ना गाइस कल तक जो है ना गाइस एक खतरनाक सा मॉन्स्टर टेम करना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ। उसके लिए मेरे को चाहिए होगा माना, एंड वो अपन को यहाँ से मिलेगा, इसके अंदर 700 मिलता है, ओ 350 ही बनाया अभी तक, ठीक है चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 800 माना तो मिल चुका है, और ऐसे और भी बहुत सारे, अरे यार मेरे आर्चर तो साले शायद कल ही मर गए होंगे ना सारे के सारे आर्चर, मेरे को लग रहा है गाइज, क्योंकि मेरे को एक भी आर्चर दिखाई नहीं दे रहा है। शायद मैंने कल जो भाई बॉस फाइट ली थी ना गाइज, उसमें शायद मेरे सारे के सारे जो आर्चर्स है ना गाइज वो मर गए गाइज यहाँ पे भाई, ठीक है चलो कोई ना, अभी हम जो है ना गाइज रेडवुड में निकलते हैं भाई, ठीक है। ग्रिफिन हाँ आ जा बेटा, चलो अभी आप बोलोगे रेडवुड में क्यों जा रहे हो, तो गाइज आयरन वुड आपको बताया होगा, आयरन वुड क्या है अगर नहीं बताया तो मैं आपको बता दूँ, जो बड़ा सा पेड़ होता है ना गाइज, बड़ा सा पेड़ एकदम, उस पेड़ को बोलते हैं आयरन वुड, और उस आयरन वुड को मेरे को टेम करना है। अभी उसको टेम करने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि उसके बच्चे जो है ना गाइज उसको टेम कर लो, क्योंकि आप डायरेक्टली आयरन वुड को टेम नहीं कर सकते, वो नॉट टेमेबल होता है। लेकिन वो जो भाई आयरन वुड होते हैं ना गाइज, वो अगर झुंड में होते हैं ना, तो उनके आजू बाजू जो ना एक आपको एक बच्चा मिल जाएगा आयरन वुड का, उसको टेम कर लो और आपकी जो है ना गाइज किस्मत समझ लो चमक गई भाई। उसके बाद वो बच्चा जैसे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद एकदम खतरनाक वाला आई एम ग्रूट बन जाएगा भाई वो, ठीक है आई एम ग्रूट बन जाएगा मार्वल वाला। रुक जाओ, पहले मेरे को आयरन वुड जो है ना गाइज उनको ढूंढने दो, लेकिन वो आयरन वुड है कहाँ पे? मेरे को लगा था रेडवुड में मिलेंगे भाई, मैं रेडवुड में आया हूँ, रेडवुड में एक भी आयरन वुड दिखाई नहीं दे रहा यार। मेरे रिसर्च के हिसाब से भाई आयरन वुड तो रेडवुड में होना चाहिए था, क्योंकि जब मैं आर्क पायरिया खेल रहा था अपने वो दूसरे वो कौन सा मैप था, वो किसी तो मैप पे आई थिंक पता नहीं किस पे खेल रहा था, मैं किसी और मैप पे खेल रहा था तब तो रेडवुड में आयरन वुड थे। अब भी तो रेडवुड में भाई कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कोई स्पेशल क्रीचर भी दिखाई नहीं दे रहा भाई। हेलो फुद्दू कट गया क्या गाइस? लग रहा है गाइस कि अपना कट चुका है, ठीक है भाई आयरन वुड छोड़ो भाई, कोई और क्रीचर भी दिखाई नहीं दे रहा भाई, सारे के सारे नॉर्मल डायनोस दिखाई दे रहे हैं। मैं नॉर्मल डायनो को टेम करने के लिए यहाँ पे आया नहीं हूँ, ठीक है मैं थोड़ा सा और अंदर चलता हूँ और देखता हूँ, मे भी भाई अंदर साइड में जो ना गाइस मेरे को आयरन वुड जो ना वो दिखाई दे भाई, ठीक है चलो आ जाओ। बस यहाँ पे जो ना गाइस थाइलो बिलो कोलियो जो ना गाइस वो जंप करके मेरे को जो ना गाइस यहाँ पे जकड़ ना ले, इतनी सी बात है। हो रहा थाइलो कोलियो, हेलो थाइलो आवार यू, क्या हाल चाल है लाड़ मेरा बेटा, चल आ जाओ लेट्स गो। ऑलराइट, थाइलो कोलियो ने जंप मारती या ना मारती मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ से अभी फिलहाल के लिए बाहर निकल रहा हूँ, और मेरे को एक भी आयरन वुड नहीं दिखा यार, थाइलोस दिखाई दे रहे, मैं थाइलो का क्या अचार डालूंगा, मेरे को नहीं चाहिए वो थाइलो कोलियो, मेरे को आई एम ग्रूट भाई चाहिए, मेरे को आयरन वुड का बच्चा चाहिए, आयरन वुड भी नहीं चाहिए। एक आयरन वुड कहाँ पे मिलेंगे? एक एक वार्डन आई जाए सर जी, रुक जाओ
रुक जाओ भाई, होम पे चलो, मैं देखता हूँ सबसे ज्यादा आयरन वुड जो है ना गाइस वो कहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे उनका झुंड रहेगा ना वहीं पे मेरे को उनका बच्चा मिलेगा। अगर एक 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 अकेला अकेला कहीं पे घूम रहा है ना तो मेरे को भाई वहाँ पे बच्चा मिलने के काफी कम चांसेस है भाई। ठीक है रुक जाओ भाई, मैं अभी बेस पे टेलीपोर्ट मारा हूँ, मैं ट्रांसमीटर जो है ना गाइस उसका इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे, एंड मैं देखता हूँ कि आयरन वुड की सबसे ज्यादा जो भाई आबादी है ना गाइस वो कौन से वाले एरिया में है भाई। ठीक है ओके जी आ जाओ भाई, यहाँ पे जो ना गाइस अपन सर्च कर लेते हैं आयरन वुड भाई, आयरन वुड इंट भाई, इंट क्या होता है भाई, ये आयरन वुड टेमेबल, अरे यही दो चाहिए, किधर 32 24 भाई लेट्स गो भाई, यही तो चाहिए था मेरे को 32 24 भाई। यहाँ पे इंट टेमेबल है और ये इंट मतलब नॉर्मल और ये टेमेबल मतलब छोटे बच्चे होंगे भाई। ठीक है 32 टेम, एक मिनट ये ऊपर ही है ना गाइस, अपने ये अपने ऊपर ही साइड में भाई, लेवल कितनी थी मेरी देखी नहीं है भाई, 32 and 24 ना ये ऊपर साइड नहीं है बेटा, ये इस तरफ है भाई, मेरे को लगा था ऊपर साइड है क्या अपने। ठीक है 32 और 24 पे जाना पड़ेगा, 24 पे तो अपन है, 32 बोले तो किधर जाना पड़ेगा, 32 बोले तो इधर एंड 24 बोले तो आई डोंट नो, चलो आ जाओ देख लेते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, मैं फिलहाल के लिए भाई निकल रहा हूँ भाई। ओके स्पाई क्लास 32 अभी मैं 22 पे हूँ, 32 इधर एंड 24 32 पे हूँ ना मैं, वही 24 तो फिर इधर आ जाएगा और अच्छा इधर है भाई, हाँ समझ गया समझ गया गाइस, ज़्यादा तुड़ुक जाम करने की जरूरत नहीं है, मेरे को समझ में आ चुकी है लोकेशन कहाँ पे। ठीक है भाई थोड़ा सा भाई प्रॉब्लम हो रहा था समझने में, मैं कंफ्यूज हो गया था भाई ये 32 24 है कहाँ पे भाई। ठीक है इस तरफ भाई, ठीक है समंदर के किनारे पे जो ना गाइस मेरे को भाई मिल जाएगा 32 24 भाई। ओके यहाँ कहीं पे मेरे हिसाब से होना चाहिए आयरन वुड इंड भाई। ठीक है 32 24 बच्चा होना चाहिए गाइस, मेरे को बच्चा चाहिए और बच्चे को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, अगर उसके मम्मी पापा नहीं होंगे ना तो दिक्कत हो जाएंगी। 32 24 बेटा 24 यहाँ पे एंड 32 यहाँ पे भाई। ठीक है चलो आ जाओ, आयरन वुड इंट भाई टेमेबल वाला किधर है यहाँ पे, 32 24 में पहुँच तो गया बड़ी, आई थिंक अपने माँ बाप के बिना ही है भाई, ये रहा गाइस ये रहा, देख रहे हो क्या चाहिए तेरे को टेम करने के लिए, री फर्टिलाइजर, ये क्या मांग रहा है भाई, रेगुलर सुगर टू टेम भाई, अरे भाई क्या किया भाई, ये क्या मांग रहा है मेरे से, री फर्टिलाइजर मांग रहा है गाइस, एक मिनट रुक जा भाई रुक जा, अब यार इसके लिए फाइबर चाहिए यार, री फर्टिलाइजर भाई मेरे को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को फर्टिलाइजर चाहिए होगा। वेट अ मिनट, अभी क्या कम पड़ रहा है भाई, वुड कम पड़ रहा है, ले बुक्का मार मार बुक्का भेज के, मार बुक्का, बुक्का मारने से ज़्यादा नहीं मिलेगा भाई, मैं इसको जो ना कहीं जाकर सुरक्षित रखना चाहता हूँ, इसी के आवाज़ देख रहा हूँ कितनी ज़्यादा कर रहा है गाइस, वेट अ मिनट, ले बेटा ले बेटा एंड हाँ भाई ले 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 बना डाल इसको जो ना गाइस थोड़ा सा, अरे नहीं यार मैंने अगर ये लगा दिया तो इसको डैमेज पड़ेगा गाइस, इसको डैमेज पड़ेगा भाई, नहीं रे तो भाई मैं वो लगा नहीं सकता भाई। ठीक है एक मिनट रुक जाओ मैं घर पे चलता हूँ, एंड मेरे को जो ना गाइस इसके लिए री फर्टिलाइजर का जुगाड़ करना पड़ेगा भाई। ठीक है कितना चाहिए बेटा री फर्टिलाइजर, 7 क्या 5 चाहिए, 5 री फर्टिलाइजर मेरे को, मतलब 5 जो ना गाइस यहाँ पे भाई फर्टिलाइजर चाहिए होंगे, और 5 फर्टिलाइजर तुम्हारा भाई अभी के अभी यहाँ पे बनाएगा, पता है कैसे यार तुम्हारे भाई के अंदर भाई बरबर के टैलेंट है भाई। ठीक है रुक जाओ मेरे को चाहिए भाई एक चीज, वो है भाई टॉयलेट भाई। ठीक है हमको चाहिए होगा कि सबसे पहले टॉयलेट, एंड टॉयलेट को जो है ना कैसे हम यहाँ पे सबसे पहले बना लेंगे भाई। ठीक है टॉयलेट एक फ्रेम का था भाई, अनलॉक तो कर लिया था, अरे अनलॉक तो कर लिया था, फिर बन के का नहीं रहा, अबे टॉयलेट तो अनलॉक कर लिया ना मैंने, टॉयलेट अनलॉक नहीं हुआ क्या, बावड़े हो क्या, अरे ग्लिच हो गया भाई ये अनलॉक नहीं कर सकता, रुक जाओ मैं इनग्राम अनलॉकर यूज़ करता गाइस। ठीक है रुको वेट अ मिनट, आ जाओ गाइस इनग्राम अनलॉकर यूज़ कर लिया अपन ने, एंड अभी भाई मेरे को बता टॉयलेट भाई। ठीक है मेरे को चाहिए टॉयलेट, ठीक है ये रहा टॉयलेट, एंड भाई मेरे को चाहिए होगा भाई स्टोन का
एक ये बम्बू एंड एक सीधी ये रस्सी भाई, ठीक है चला जा टॉयलेट इधर आ। बस मेरे को जो ना कहीं पॉटी आई हो यहाँ पे, अगर मेरे को पॉटी ना आई होगी ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। यू आर हॉट आई नो दैट, टेल मी समथिंग न्यू भाई। ठीक है भाई, ऐसा भाई जंप भी मारते रहने का, टेंशन नहीं लेने का भाई। ठीक है भाई, बम्बू निकालो, बम्बू निकाल, बम्बू निकाल। पाँच फर्टिलाइजर चाहिए मेरे को भाई, मात्र पाँच फर्टिलाइजर और कुछ नहीं चाहिए गाइस। ठीक है एंड ये टॉयलेट ले ले बेटा एंड सीधा लगा डाल इसके ऊपर। अरे यार इसके ऊपर तो नहीं लग रहा, इसके ऊपर तो ना लग रहा भाई। बेटा थोड़ा सा स्टोन दे देना यार, थोड़ा सा स्टोन चाहिए होगा ताकि पाइप जो है ना गाइस थोड़ा ऊपर साइड में ऐसा लेके जा सको भाई। स्टोन भाई थोड़ा सा, हाँ भाई ये वाला लगा डाल, हाँ ये वाला लगा डाल भाई। ठीक है चलो आ जाओ, काम बन जाना चाहिए यार अपना। आई शाबाश, अभी देखो इसके ऊपर बैठो पॉटी करो, इधर आओ फ्लश करो, बैठो पॉटी करो, इधर आओ फ्लश करो भाई। ठीक है अबे हेलो, अरे पिकअप नहीं बेटा फ्लश। हाँ अरे नहीं यार दो ही मिला भाई, मेरे को लगातार करते रहना था, मेरा सिंक टूट गया गाइज, उसके कारण सिर्फ दो फर्टिलाइजर मिला, वो दो फर्टिलाइजर में तो टेम नहीं होगा ना भाई। प्लान ए बी सी डी एफ जी गाइज, आ जाओ आ जाओ। अभी ए बी सी डी एफ जी क्या प्लान है पता है क्या गाइज, आ जाओ भाई स्मॉल। अरे भगना तुझे जितेंगड़ी भाई, रुक जाओ भाई। आजकल भाई देख रहे हो क्या दिन आ गए गाइज, अपन को पॉटी उठा के लेके जाना पड़ रहा है भाई। अबे यार पॉटी करेगा क्या, एक और बार एक और बार। नहीं बोले पॉटी आई नहीं बोले, मैं करूँगा ही नहीं भाई, सिंपल सी बात है भाई। तेरे को क्या चुल मच रही है, अभी देख मेरा दिमाग का दही भाई। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, इसको चुल मच रही है। चल भेज क्या लाड में आ रहा है भाई, एक तो दिमाग घुमा हुआ है यहाँ पे यार, मेरा सिंक टूट गया। अगर सिंक नहीं टूटता ना तो 15-20 भाई फर्टिलाइजर यहाँ पे बड़े आराम से बना देता मैं भाई। ठीक है बीटल डंग बीटल, हाँ अरे 1000 लेवल का अचार डालूंगा भाई, एक पॉटी से होना चाहिए ऐसा कुछ बता। ये कौन सी गुफा, ये रहा मैं क्या 6270 ना, ये ही सही रहेगा 2459 भाई। ठीक है 2359, चलो आ जाओ। अभी मैं लो लेवल का क्यों पकड़ रहा हूँ गाइस यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास पॉटी नहीं। डंग पीडल जो है ना गाइस वो पॉटी से टेम होता है, और मेरे पास जो ना गाइस बड़ी वाली पॉटी नहीं है, मैं भाई स्मॉल जो अपनी खुद की पॉटी है ना गाइस वो उसको खिला के टेम करने की कोशिश करूँगा गाइस। ठीक है और मेरे पास अभी कोई और चारा नहीं है, और भाई और कोई तरीका नहीं है जिससे मैं जो ना गाइस यहाँ पे फर्टिलाइजर बना सकूँ भाई। ठीक है और कोई भी तरीका नहीं है, मेरे को चाहिए होगा किसी भी हालत में भाई डंग बीटल, क्योंकि यहाँ पे जो अपना टॉयलेट का प्लान था वो तो फ्लॉप हो चुका है, और वो आयरन वुड इंड जो है ना गाइस वो यहाँ पे भाई विदाउट पॉटी के, पॉटी नहीं सॉरी रीफर्टिलाइजर के टेम ना होगा भाई। ठीक है अबे यार रुक जाओ भाई, ग्रिफिन से भी भाई पहुँचने में जो ना गाइस 400 साल लग जाते हैं यार। ठीक है रास्ते में से चलेंगे, थोड़े से खतरनाक खतरनाक कोई भाई मॉन्स्टर बिन्स्टर देखते देखते चलेंगे गाइस। ठीक है आ जाओ, हाइड्रा है क्या, हाइड्रा को पप्पी देके चलूँ क्या। अबे ये आजकल डायबिटिक से नहीं मारता यार, भेज गया कि देखो भाई इसको भाई काफ़ी ज़्यादा नीचे झुकाना पड़ता है तब जाके डाइव मारता है, उसके बाद तो सारा हाइड का जो एडवांटेज है भाई वो तो अपना चला जाता है यार। ठीक है चलो कोई ना, हम जो ना गाइस अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं, मेरे को जाके बस डंग बीटल को टेम करना है, एंड उम्मीद कर रहा हूँ कि एक पॉटी खा के वो टेम हो जाए, अगर नहीं हुआ तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी यार। एक मिनट रुक जाओ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि इसको पॉटी कहाँ से मैं करूँगा, मैं जो ना गाइस डंग बीटल को पॉटी कहाँ से दूंगा, क्योंकि डंग बीटल के लिए अगर डंग बीटल यहाँ पे क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं यार वो री फर्टिलाइजर अगर बनाना चाहता है ना तो उसके इन्वेंटर में मेरे को पॉटी डालनी पड़ती है, तो उसके लिए मेरे को फ्यू में अटेम करना पड़ेगा भाई। क्या ही तुड़ुक जाम है ना गाइस। ठीक है आ जाओ बताओ भाई, 2359 थोड़ा ऊपर चल ले बेटा, 2359 भाई थोड़ा सा अंदर साइड चलना है मेरे को, यहाँ पे भी डंग बीटल मिल जाएंगे गाइस, लेकिन क्या सीन है बताया क्या, ये थोड़े से हाई लेवल के होंगे भाई। ओह अच्छा मेरे को लगा ये टेमेबल वाला है क्या, हॉब गॉब्लिन है भाई ये, टेमेबल वाला नहीं जो ये टेम नहीं होते भाई जिंदगी में कभी। ठीक है ऑल राइट, थोड़ा सा और अंदर, 2359 भाई। ठीक है मेरे को लग रहा है काली पहाड़ी पे डंग बीटल मिलेगा मेरे को, यहाँ पे भाई ड्रैगन फिंगर दिखाई दे रहे हैं मेरे को, साथ में डंग बीटल भी दिखाई दे रहे हैं। एक पॉटी में टेम होने वाला 5 स्पॉइल मीट क्या रे, अरे अच्छा ये तो भाई मेरे को लगा डंग बीटल कब से स्पॉइल मीट में टेम होने लग गए। 2359 वेर इज़ माई डंग बीटल, इज दैट डंग बीटल, एक 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 लार्ज बोले भाई, स्मॉल वाली, हाँ स्मॉल वाली में एक ही में हो जाएगा गाइस। ठीक है आ जाओ लेट्स गो, ये पता नहीं भाई जिसको मैं ढूंढते ढूंढते आया वही है या दूसरा है, लेकिन अपन को मिल रहा है तो अपन टेम कर रहे हैं। कितने लेवल का है, 80 लेवल का, थोड़ा हाई लेवल का है भाई। ठीक है चलो गाइस ओके, अपना काम बन चुका है, अभी मेरे को जाके गाइस पीओ में आपको टेम करना पड़ेगा भाई, क्या ही तोड़ुक जाम करना पड़ रहा है भाई। चलो आ जाओ मेरे घर के आजू बाजू गाइस, मेरे को लग रहा है कि मेरे को पीओ में मिल जाएगा भाई। ठीक है मैं देख लेता हूँ घर के आजू बाजू, पहले ट्राई मारूंगा, अगर नहीं मिला
तो फिर मेरे को भाई और भी ज्यादा भाई यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा फियो में आके ले भाई। चलो डंग बीडल तो अपन को मिल चुका है, मैं एक और एक दो बार और पॉटी कर सकता हूँ क्या भाई? एक भाई आयरन वुड इंड के लिए भाई देख रहा हूँ कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तुम्हारे भाई को। भाई सीट कर ले। अरे नहीं यार, वो बोल रहा है अभी नहीं आई भाई, कितना आगे का भाई दिन में बोल रहा है, एक दो बारी पॉटी कर सकता है। ठीक है मेरे को भाई यहाँ पे फ्यूम या मिल तो जाएगा, लेकिन भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मेरी लोकेशन बता भाई क्या है? 2035। भाई 2035 पे कोई फ्यूम या है क्या? मतलब ऐसा आजू बाजू थोड़ा। 2035 PHI 2035 2037 पे है भाई। ठीक है चला जा। 2037 भाई, चलो भाई जो अपन को चाहिए था वो मिल गया भाई। ठीक है 2037 37 इधर ही है क्या? ऊपर है। अच्छा ऊपर साइड है, पहाड़ी पे है, काली पहाड़ी पे बैठा हुआ है भाई। ठीक है चलो आ जाओ। 2037 हाँ ये बस दिख गया भाई, दिख गया। ये रहा यहीं पे कहीं पे दिख नहीं रहा, लेकिन 2037 कहाँ पे भाई? अबे जमीन के अंदर चला गया क्या फ्यूम यहाँ? 2037 पे मैं तो हुआ अभी, थोड़ा सा इस तरफ जाओ क्या? 37 बोले तो, 37 बोले तो मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा, यही कहीं पे होगा बोल रहा है। आ ये रहा भाई। अरे यार क्या यार, तुम भी ना यार बड़े मजाक किया हो यार बेटा। अरे यार 8000 टॉर्पर, इसका भी 8000 टॉर्पर, मजाक कर रहे हो क्या? हाँ मौत के मुंह में चला जा, मैं इसको टेम करना चाहता हूँ और वो वाइब्रेंट के मुंह में जा रहा है भाई, भेज के आग भाई। इसको बताया कि इसकी हालत क्या होगी भाई, इससे भाई बहुत ज़्यादा पॉटी कराई जाएगी, तो इसलिए जो ना कैसे बोल रहा है इतनी ज़्यादा पॉटी करने से अच्छा मैं भाई मरना प्रीफर करूँगा, इसलिए कैसे उधर जा रहा है। हो गया बेटा, हो गया खत्म। चलो बता क्या क्या चाहिए तेरे को? रेक्स देख, कुछ भी करने का लेकिन मेरे साथ उंगली नहीं करने का अभी भाई, अभी मेरा दिमाग घूमेला है भाई। ठीक है क्या? चल भेज क्या क्या लाड में आ रहा है, फ्यू में आपको मारेगा, फ्यू में आपको मारेगा। कौन आ रहा है भाई, कौन आ रहा? बग भेज क्या, पीछे किसी ने मारा मेरे को यार, पता नहीं किसी ने मारा। तेरे को क्या चाहिए बता? बेसिक बल, बेसिक बल 1 2 3 4 ये ले बेटा, एंड FMK वाला। भाई चीटियाँ आ रही है गाइज मेरे को फॉलो करते करते। ठीक है चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चीटियो तुमको बाद में देख लूँगा, पहले मेरे को पीओ मेरा को डेम करने दो भाई। ठीक है एंड ये तुम जब चीटियो भाई, यार ये चीटियों को कुछ ज़्यादा ही चुल मची है यार। PHI फ्यू मेरा से ना मारा ना इनको, देख लेना गाइज। ठीक है रुक जाओ भाई, इसके फ्यू मेरा का सैडल पहले बना लेना भाई। भाई चीटियों में मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, फिर भी भाई आके उंगली कर रही है, फाइबर चाहिए। ठीक है रुक जाओ, ये अंदर डाल दे बेटा। हाँ फाइबर इनफ हो गया मेरे हिसाब से, पीछा छोड़ दिया क्या? अभी ये मरने वाली है गाइस। ठीक है अभी जो ना गाइस, ये सारी चिड़िया मेरे फ्यू में यहाँ से मरने वाली है, बेज्जती इंटू 100 होने वाले गाइस इनसे इनके भाई। ठीक है चले बेटा। अरे 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 बस कर भाई, अरे भाई मेरे को तो बिठा ले, लाड़ में जा रहा है भाई लड़ाई करने के लिए यहाँ पे। चले बेटा चले बेटा चले बेटा, फूड बढ़ा ले भाई तेरा थोड़ा सा। ठीक है ले बेटा, हेल्थ विल बढ़ा ले भाई। ठीक है डन 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 एंड लेट्स गो भाई। हाँ किसको चुल मची थी बेटा? अबे चलना भाई बाद में भाई, टट्टी मास्टर बाद में भेज के। चलो भाई मर गए, मेरे को वाइट बेरी दे दे, वाइट बेरी भाई। अरे भेज के वाइट बेरी देना, खुद बेरीज नहीं इकट्ठा कर सकता के भाई? भेज के तू क्या बेरी इकट्ठा नहीं कर सकता क्या? अबे भाई क्या टट्टी इंसान है भाई, बेरी इकट्ठा नहीं कर सकता? बेरी इकट्ठा करने वाला कौन है मेरे पास फिर? स्टेगो, स्टेगो है भाई। यार इसके लिए बेरी पहले इकट्ठा करनी पड़ेगी ना, उसी के बाद तो ये काम करेगा भाई यहाँ पे। रुक जाओ गाइज, मैं आज भाई कुछ भी करके जो ना गाइज यहाँ पे बना के रहूँगा भाई। क्या बोलते हैं, रीफर्टिलाइजर। वैसे आज बन नहीं पाएगा, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइज। ठीक है आज जो ना गाइज डंक बीटल के अंदर सारा सामान वीमान डाल के रख देंगे अपन। ऑल राइट चला जाओ बेटा, इकट्ठा कर ले, मोड चेंज कर ले बेटा। हाँ बेरीज इकट्ठा करने वाला मोड, काफ़ी बढ़िया। कितना मिल गया भाई? वाइट बेरी चाहिए भाई 450। कितना मिल गया वाइट बेरी? हाँ 450 ना गाइस। ठीक है चलो आ जाओ, लेट्स गो भाई। और थोड़ी सी दे दो ना यार आंटी जी, इधर इधर इस साइड भी। हाँ चलो गाइस, इतने से काम मेरे हिसाब से अपना बन जाएगा। चलो अभी चलते हैं गाइस अपने घर पे, एंड वहाँ पे जो ना गाइस डंग बीटल के लिए घर बनाना पड़ेगा, क्योंकि डंग बीटल को अगर अपन को उससे भाई फर्टिलाइजर चाहिए तो हमको जो ना गाइस उसका जो है ना गाइस एक काम करना पड़ता है, उसको वॉन्डरिंग पे छोड़ना पड़ता है, तभी वो फर्टिलाइजर देता है भाई। ठीक है तो उसको वॉन्डरिंग के, अरे यार ये बेस पे भी ना बेस क्या, रुक जाओ क्या ही बोले भाई, कुछ ज़्यादा खतरनाक खतरनाक डायनोस आ जाते हैं यार कभी कभी। क्या रेक्स कैसा है, मार खाना है क्या?
डर नहीं लगता मौत से? लाड़ में आ रहा है भाई। अरे तू चिल्लाता रहेगा और तेरी पेटी बना के चला जाऊंगा मैं भेज के आग। ये लो बेटा, चल चल चल। ओह अंकल अंकल कल आना कल भाई। चल भाई आयशा बस नीचे गिर गया, चलो अपना काम हो गया भाई। वो मेरे को डंग बीटल के लिए जो ना इस घर बनाने की जरूरत नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि मैं अपने घर के अंदर डाल दूंगा ना यार उसको। हाँ डंग बीटल। अरे यार ये नीचे भाई टूम डुम 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 कर रहा है भाई। ठीक है रुक जाए, इसको यहाँ पे डाल दे। मेरे को एक काम करना पड़ेगा, इसका वेट दबा के बढ़ाना पड़ेगा, वेट दबा के बढ़ाना पड़ेगा भाई। ठीक है थोड़ी सी इसकी हेल्थ भी बढ़ा लेता हूँ ताकि मर भी ना जाए यहाँ पे। और इसका वेट जो ना गाइस वो दबा के बढ़ाना पड़ेगा ताकि यहाँ पे बहुत सारी पॉटी जो है ना गाइस वो अपने अंदर जो ना गाइस ये ले सके गाइस। ठीक है उसके बाद मेरे को इसके अंदर डालना पड़ेगा दो चीज़। एक तो चीज़ है गाइस स्पॉइल मीट भाई। ठीक है स्पॉइल मीट 18 जो कि इसके फूड का काम करेगा। एंड उसके बाद मेरे को ऑयल चाहिए होगा। ऑयल 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 भाई ऑयल ही है ना, ऑयल है। एंड मेरे को पता नहीं भाई स्पॉइल मीट भाई ये ले चला जाओ। मेरे को एक ही चीज़ डालनी पड़ती है, दो चीज़ नहीं डालनी पड़ती, एक ही चीज़ डालनी पड़ती है। कौन सी वो मैं भूल गया इसलिए मैं दोनों डाल देता हूँ भाई। ठीक है अभी के लिए। एंड मेरे को भाई फियोमिया भाई दे दो, फियोमिया इधर दे दो। चलो भाई अभी फियोमिया का काम जो ना गाइस वो हो जाता है शुरू यहाँ पे। बेटा मेरे को भर भर के जो ना गाइस यहाँ पे इसमें से निकालनी पड़ेगी। बेरी ली की नहीं मैंने यार, वाइट बेरी। हाँ ये रही भाई। ठीक है चला आ जा बेटा, दे कर ले पॉटी, कर ले पॉटी, कर ले भर भर के गाइस इसकी पॉटी निकालनी पड़ेगी। और उससे जो ना गाइस हम बनाएंगे फर्टिलाइजर। ऐसे लगा तुम्हारे भाई का प्लान, इसमें गाइस काफ़ी ज़्यादा टाइम चला गया। मेरे को बताया भाई बहुत ज़्यादा टाइम चला गया, और फर्टिलाइजर बनने में भाई उससे भी ज़्यादा टाइम जाएगा भाई। आपको मैं लिख के देता हूँ कि लगभग भाई आधा से एक घंटा चला जाएगा गाइस। ठीक है चला जा बेटा। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो ना गाइस हमारा डंग बीटल जल्दी जल्दी फर्टिलाइजर बनाने का काम शुरू कर देगा गाइस। ठीक है अगर वो नहीं कर पाया थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। FEC ले बेटा, नाइस वन, डन डना डन डन। बिहेवियर इनेबल मीटिंग, बिहेवियर इनेबल वॉन्ड्रिंग भाई। ठीक है चलने चलना चालू कर दे बेटा। अरे चलना भेज गया आग। अरे वॉन्ड्रिंग भाई इसकी कर दिए फिर भी चल नहीं रहा। हाँ चल रहा है अभी। इसके अंदर जो ना गाइस फर्टिलाइजर बनते रहेगा भाई। ठीक है हाँ, लेकिन उसके लिए जो ना गाइस काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा मेरे को जो ना गाइस इंतजार करना है। एंड उसके बाद जो ना गाइस डंग बीटल हमको फर्टिलाइजर देगा, उससे जो ना गाइस अगले एपिसोड में मैं उस आयरन इंट बीट जो भी था ना गाइस आयरन वुड का बच्चा उसको टेम करने का काम कर लूंगा भाई। फिलहाल के लिए आज का एपिसोड गाइस यहीं पे खत्म होता है। हाँ बताया गाइस आज के जो एपिसोड में ना गाइस हमने खास कुछ करा नहीं, लेकिन हमारे पास रीफर्टिलाइजर नहीं था, इसके कारण जो ना गाइस हम भाई उसको अटेम्प्ट कर नहीं पाए। लेकिन अगले एपिसोड में अपन कर लेंगे, टेंशन नहीं लेने का। तो गाइस फिलहाल के लिए आज का एपिसोड आर्क सर्वाइवल इवोल्व का आर्क पायरिया का ये भी खत्म होता है। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो मिलते हैं सबसे अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल इवोल्व के आर्क पायरिया के। तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय गाइस, जिसको तो मैं मार के जाऊंगा गाइस। ठीक है चलो मिलते हैं सबसे सीधा अगले एपिसोड में, टाटा बाय बाय गुड बाय गाइस। Remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were